नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हमारे साथ में है मिस्टर आकाश जी, जिनकी एज मात्र 21 वर्ष है और ये बिहार से हमारे पास न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए आए। इन्होंने लगभग 23 दिन हमारे पास ट्रीटमेंट लिया है और जब ये पहले दिन हमारे पास आए तो इनको बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कि इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई थी, इनको पेट में मरोड़, ऐठन, चुभन, ब्लोटिंग की समस्या थी, सीवियर कॉन्स्टिपेशन था, एक एक हफ्ते तक इनका पेट साफ नहीं होता था, जिसके कारण से डिप्रेशन भी हो गया था। इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे टेस्ट कराए, बहुत सारे ब्लड टेस्ट कराए, LFT कराया, KFT कराया, अल्ट्रासाउंड कराए, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई और डॉक्टर ने कहा कि आपको कुछ नहीं है, केवल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। लेकिन इनको बहुत सारी समस्याएं थी, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनका पेट हफ्तों तक साफ नहीं होता था। जब व्यक्ति का पेट हफ्तों तक साफ नहीं होगा तो कैसे वो खा पाएगा, कैसे उसका डाइजेशन ठीक हो पाएगा, कैसे उसकी सेहत इंप्रूव हो पाएगी, वो सब इनको प्रॉब्लम्स थी। आज मिस्टर आकाश जी बताएंगे कि 23 दिन के ट्रीटमेंट के बाद इनका कैसा अनुभव है, इनको पहले दिन से और आज इनको कैसा महसूस होता है। आकाश जी, जब आप हमारे पास आए उससे पहले आपको डॉक्टर्स ने, मतलब आपने डॉक्टर को दिखाया होगा, तो क्या कहा डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर ने बस दवाई दिया सर, और दवाई खाएं सर, 2-3 महीने कोई रिजल्ट नहीं मिला सर। 2-3 महीने दवाई खाने के बाद? दवाई खाने से गैस पास होता था सर, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और कुछ नहीं होता था। क्या कहा था डॉक्टर ने और कि भाई क्या है कारण, कितने दिन में ठीक हो सकते हैं? मतलब ऐसे ही तुम दिमाग पे सोचते रहते हो, आप केवल दिमाग से सोचते ज्यादा हो इसलिए आपको ऐसा हो रहा है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। अभी आपने 23 दिन हमारे पास ट्रीटमेंट लिया, कैसा आपका अनुभव रहा, कैसा आपको महसूस हुआ और पहले की अपेक्षा आप कैसा महसूस कर? अभी तो सर 95% सही है सर। 95% तक ठीक है, हमारी तरफ से तो 100% ही ठीक है, क्योंकि ये यहाँ PG में रह रहे हैं तो कई बार खान पीन में थोड़ा जैसा एक पेशेंट को मिलना चाहिए वो सब नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ जो खाना बनता है वो कॉमन खाना मिलता है, उसमें मिर्च मसाले भी होते हैं, तो कभी कभी थोड़ी बहुत दिक्कत उस कारण से हो जाती है। लेकिन हमारी तरफ से आज ये बिल्कुल कम्प्लीटली फिट हो चुके हैं। अभी आपको मोशन डेली पास हो रहे हैं, नींद ठीक आ रही है, भूख ठीक लग रही है, खाने का मन करता है, जो एक ब्रेन पर, माइंड पर एक प्रेशर था वो अभी रिलैक्स है बिल्कुल, कोई थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, मरोड़, ऐठन, ब्लोटिंग, पेट फूलना, कोई ऐसी समस्या भी बच रही है आपकी? नहीं सर। इनकी सारी समस्याएं बिल्कुल ओके हो चुकी हैं। एक बार खड़े हो, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये शर्ट ऊपर करो। ये देखिए दोस्तों, जब ये पहले दिन हमारे पास आए तो इनका पेट, ये वाला जो पोर्शन है, बिल्कुल पत्थर की तरह हो रहा था, क्योंकि यह बहुत जबरदस्त इनको सूजन थी, ये उंगली भी अंदर नहीं दब रही थी, बहुत हार्ड था पेट। और अभी इनका एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिल्कुल पेट सॉफ्ट हो चुका है, नाभि जो पहले 2-3 उंगल ऊपर की साइड में इधर इनकी नाभि होती थी, अभी चेक करने पे इनकी नाभि बिल्कुल सेट है, ना इधर कोई दर्द है, कोई दर्द तो नहीं है, अभी मैं बहुत अच्छे प्रकार से तेज दबा रहा हूँ, फिर भी इनको कोई चुभन दर्द नहीं है, सब तरीके से हमने इनको चेक कर लिया, इनका डाइजेशन बिल्कुल ठीक हो चुका है, नाभि बिल्कुल एक्यूरेट सेट हो चुकी है, ना इनको अब मरोड़ है, ना इनको ब्लोटिंग है, ना इनको कोई अभी दर्द है, ये बिल्कुल कम्प्लीटली फिट हो चुके हैं। खाना खाने के बाद सर ये तो दबता ही नहीं था। हाँ, खाना खाने के बाद ये दबता ही नहीं था, बहुत ज्यादा टाइटनेस रहती थी, अभी ये आराम से दब भी पा रहा है, पेट भी बिल्कुल ठीक है। बैठे, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप जैसे लोग देश के अंदर बहुत हैं जो दवाइयाँ खाते रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते रहते हैं लेकिन आराम नहीं मिलता, क्या कहना है आपका उनके लिए? सर इसका न्यूरोथेरेपी के अलावा और कोई इलाज नहीं, हम सारा इलाज करवा दिए सर, कहीं 1% भी रिजल्ट नहीं मिला सर। आप बिल्कुल 100% सेटिस्फाई रहे ट्रीटमेंट से? हाँ सर 100%। यहाँ कोई आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत रही हो, ऐसा लगा हो कि मैं नहीं ठीक होऊंगा? नहीं सर। ठीक है, जैसा ये कह रहे हैं कि इस बीमारी का न्यूरोथेरेपी के अलावा कहीं इलाज नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि पेशेंट से अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो खर्चा भी बहुत कर चुका होता है, परेशान भी बहुत हो चुका है और फाइनेंशियल भी बहुत दिक्कत में हो जाता है व्यक्ति, और डिप्रेशन की तो कोई सीमा ही नहीं रहती। जब डॉक्टर ये कह दे कि आपको कोई रोग नहीं और पेशेंट उससे निरंतर जूझ रहा है, तो वो कैसे मतलब ये मान पाए कि हाँ मैं ठीक हूँ, है ना? जब तक व्यक्ति को पूरा फिट ना कहा जाए, यानी कि जब उसका पूरा सिस्टम ठीक ना हो, खाना ठीक से खा पाए, पाचन क्रिया ठीक हो जाए, नाभि सेट हो जाए, डिप्रेशन ना रहे,
तो वो फिट जब मानेगा, सब कुछ दिक्कत है लेकिन डॉक्टर कह देते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बड़ा सोचने वाला विषय होता है। आज आपके सामने एक उदाहरण है आकाश जी, जो बिहार से न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए आए और आज ये 100% कंप्लीटली बिल्कुल फिट हो चुके हैं। अगर आपको भी कोई भी दिक्कत है, आपको कितनी भी पुरानी दिक्कत है, आपकी एज चाहे कितनी ही क्यों ना हो, आपके 18 वर्ष है तो भी ट्रीटमेंट कराइए, 40 वर्ष है तो भी कराइए, आप लेडीज हैं तो भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आप जेंट्स हैं तो भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सभी रोग इस बीमा मतलब किसी भी बीमारी से आप पीड़ित हैं, कोई भी आपको रोग है, आप कंप्लीटली ठीक हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, और अगर आप भी पेट की बीमारी से पीड़ित हैं तो देर ना करें, कहीं ऐसा ना हो आप सोचते रहें बीमारी बढ़ती रहती है, क्योंकि जो भी बीमारी आई है उसको वहीं ठीक होना चाहिए, नहीं तो अभी तो जल्दी ठीक हो जाएगी फिर ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसमें समय लगता है। इसलिए हमसे तुरंत संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और अपनी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।